दोस्तों इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन सा कैप्सूल खाना चाहिए, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट कैसे किया जाता है और ये इस समय बढ़ते हुए वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मतलब क्या कहे कि इस वायरस से कैसे बचना होगा, इम्यूनिटी बूस्टर हम कैसे ले सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल कौन सा आता है बाजार के अंदर से, आज हम इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लांसिंग इंडिया चैनल। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और यदि आपने मुझे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और आप अपना कोई भी क्वेश्चन ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इसका आपको 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप इम्यूनिटी बूस्ट कैसे किया जाए। इस महामारी में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है, और WHO के अनुसार इस महामारी में इम्यूनिटी बूस्टर का सबसे अहम रोल है। अब क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि आपको ये वाला फार्मूला खाना है, लाइकोपेन, मल्टीविटामिन, जिनसेंस, मल्टी मिनरल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, या कहें तो ये कैप्सूल खाना है, कैलेस्ट्रॉल और आपका कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक सल्फेट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, या फिर कहें तो आप जिनकोनिया कैप्सूल खा सकते हैं या टैबलेट। अब क्या है दोस्तों, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी बेस्ट करने के लिए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट कैप्सूल है। इसके अंदर लाइकोपेन, मल्टीविटामिन, जिनसेंस, मल्टी मिनरल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, और इसके अंदर जो है कैलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक सल्फेट सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। दोस्तों ये दोनों ही कैप्सूल अपनी अपनी जगह पर बहुत बढ़िया है, ये कैप्सूल बहुत बढ़िया है और ये भी कैप्सूल बढ़िया है। ये कैप्सूल ताकत बढ़ाने के लिए है, ये कैप्सूल आपके अंदर कैल्शियम बढ़ाने के लिए है। अब जो मैंने आपको बताया था जिनकोनिया नाम से कैप्सूल, उस कैप्सूल का इस्तेमाल खास तौर से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किया जाता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जिंक का प्रयोग बहुत ज़्यादा असेंशियल है, इसलिए जिंक का प्रयोग करते रहना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी स्थिति बताऊं तो मेरे सामने जो क्वेश्चन आते हैं कि आपको सबसे बेस्ट कैप्सूल कौन सा लगा, तो मेरा मानना तो है कि ये उम्र दराज व्यक्ति हैं, जहां 30 35 40 की उम्र है, उन लोगों के लिए ये कैप्सूल ज़्यादा बढ़िया है। इस कैप्सूल के अंदर कैलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। इस कैप्सूल के खाने से सॉफ्ट आपको जो है जिंक भी मिलेगा, कैलेस्ट्रॉल भी मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा, इसलिए मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट कैप्सूल है। इसकी बात करते हैं ये कि ये इसके लाइकोपेन, मल्टीविटामिन, जिनसेंस और मल्टी मिनरल्स सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। ये कैप्सूल रामबाण इलाज करता है, ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है। इस कैप्सूल को विशेष तौर से 15 साल से लेके या 20 साल से लेके 35-40 साल तक इसे खा सकते हैं, इससे भी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। इसमें क्या है, 40 साल के बाद हड्डियों की जो कैल्शियम है टूटने लगता है, कैल्शियम मिल नहीं पाता है, और 40 साल से पहले के लिए ये बढ़िया है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए मेरे अनुसार 40 से पहले के लिए ये और 40 के बाद के लिए ये दोनों ही इम्यूनिटी बूस्टर हैं, दोनों ही बढ़िया हैं। और सबसे बढ़िया कहें तो जिंक कैप्सूल बढ़िया आता है, उसको आप खा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बात और बताना चाहते थे कि इसकी कीमत जो है 9-10 रुपए के करीब एक कैप्सूल की पड़ती है, जो 15 कैप्सूल आते हैं। इस कैप्सूल में आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का कैप्सूल आपको देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया कैप्सूल है, 10 रुपये पर कैप्सूल के हिसाब से। और इसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों,
दोनों ही कैप्सूल बहुत बढ़िया हैं और अपनी अपनी जगह पर बहुत बढ़िया हैं। ये कैप्सूल ये भी जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है वो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। 40 से पहले और 40 के बाद दोनों इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, चाहे उस पर रेड बटन पे आप कुछ भी मारो, चाहे हाथ से क्लिक करो चाहे पैर से क्लिक करो, बस दब जाना चाहिए। आपने मुझे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इसकी आईडी है @glancingindia, आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।